जनपद पौड़ी से खबर आ रही है, जहां मंगलवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें विद्यालय में ताले लटक रहे थे, इसलिए बच्चे घर वापस हो रहे थे। यह वीडियो पौड़ी जिले के बोरीखाल ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवीखाल कोठा का है, जिसमें विद्यालय में कोई शिक्षक मौजूद नहीं है। वीडियो का संज्ञान लेते हुए खंड शिक्षा अधिकारी बीरोखाल ने जाँच के आदेश दिए गए, जिसमें पाया गया कि स्कूल की प्रधान अध्यापिका अवकाश पर थी, जबकि सहायक अध्यापक कार्य दिवस पर स्कूल में नहीं आए। नगेंद्र बर्तवाल ने बताया कि मामले में बीओ का रिपोर्ट पर स्कूल के सहायक अध्यापक को निलंबित कर उप शिक्षा अधिकारी बीरोखाल के कार्यालय में संबद्ध करा दिया गया है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। एक वायरल हो रहा था कल, बीरोखाल ब्लॉक में देवी कोटा है, जगह है, प्रारंभिक शिक्षा निदेश, प्रारंभिक शिक्षा का के अंतर्गत एक प्राथमिक विद्यालय है हमारा, जिसमें हेड मास्टर मैडम जो है छुट्टी पर थी, और तीन दिन की सीएल जैसे कि खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया, और एक अध्यापक वहाँ पर पान सिंह भी विद्यालय में नहीं पहुँचे थे 9 बजे के बाद। तो अध्यापक संघ और वीडियो वायरल हो रहा था विद्यालय भाग, मैंने जो है खंड शिक्षा अधिकारी को काल स्थल पर जाकर जांच करने के लिए कहा। खंड शिक्षा अधिकारी वहां पर गए और उस बात की पुष्टि हुई कि विद्यालय वास्तव में बंद है। तो ये एक बड़ी गंभीर स्थिति है, और उन्होंने जो है अपने अपनी आख्या में भी स्पष्ट रूप से उसकी पुष्टि की है वायरल वीडियो की। उसको देखते हुए कल ही मैंने पान सिंह जो सहायक अध्यापक है, बल्कि औपबंधिक टीचर है वहाँ पे, उनको सस्पेंड कर दिया और उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उनको अटैच किया हुआ। देखिए, शिक्षा अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है इस प्रदेश के अंदर, रोजगार की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसका खाका भी बहुत बड़ा है। और जहाँ तक वीडियो वायरल हुई थी, तो हमारे एक सम्मानित प्रधान जी हैं, उन्होंने सुबह सुबह मेरे को एक वीडियो भेजी वहाँ पे बना के, और उन्होंने प्रमुख जी इस तरह से स्थिति यहाँ पे हो रखी है, और मैंने उसको टैग करके सोशल मीडिया पे, जो हम लोग के एक सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने का हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, हम लोगों ने मैंने सोशल मीडिया पे टैग किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को, और क्षेत्रीय विधायक सतपाल जोहरा जी को मैंने टैग किया था। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विडंबना है कि अगर इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को अगर शिक्षक सही तरीके से निर्वहन नहीं करें, तो कहीं ना कहीं उनके दायित्व के प्रति उनकी एक चूक है। और इसमें जो आप बोलने की बर्खास्त में, तो कल उन्होंने बताया, सीईओ के माध्यम से मेरे को फोन आया था कि हम इसमें एक्शन लेने वाले हैं। तो ये परंपरा आगे ना बढ़े, उसके लिए विभागीय रूप से जो दंडात्मक कार्यवाही हुई है बिल्कुल सही हुई है, जाए जिसको मानते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम शिक्षकों को, तमाम जितने भी हमारे राजनीतिक सरोकार से जुड़े हुए लोग हैं, सामाजिक मंचों से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि देखो एक नौनिहाल जो रहता है वो बहुत विश्वास से लगभग 18-20 साल तक पेरेंट्स आपके भरोसे छोड़ता है उसे। और अगर आप जो तमाम शिक्षक हैं अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन सही तरीके से करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो छनके आएगा वो भी बहुत सही तरीके से छनके आएगा। और अगर कुछ जो विभागीय कर्मचारी ऐसे होते हैं, शिक्षक ऐसे होते हैं जिनकी वजह से शिक्षा विभाग की छवि धूमिल होती है, उसको भी आप लोग तमाम लोग उनको नसीहतें समझाएं, अपने अपने फोरम से समझाएं कि ऐसी जो पुनरावृत्तियों क्षेत्र के अंदर दोबारा हो, इससे निश्चित रूप से क्षेत्र का भी नाम गलत होता है और शिक्षा विभाग का भी नाम गलत होता है।